प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। जमात दसवीं स्वागत जिंदगी खुशहाल जीवन वल वधदे कदम। प्यारे विद्यार्थियों अज आपां पहला चैप्टर स्वै चेतना अते स्वै अनुशासन पढ़ांगे। इस दे उपभाग हन ऊड़ा भाग हुनर नू तराशना, आड़ा भाग विशाल दृष्टिकोण, ईड़ी भाग करियर प्रति चेतना। पाठ पहला स्वै चेतना अते स्वै अनुशासन। इस वीडियो लेसन राही आपां पहला पाठ स्वै चेतना अते स्वै अनुशासन सिर्फ पढ़ांगे। जिहड़ियां खाली थावां ने ते जिहड़े प्रश्न ने उन्हां दा आपां हल अगली वीडियो राही करांगे। ऊड़ा भाग हुनर नू तराशना, वार वार करके अभ्यास, अपने हुनर नू लवो तराश, फिर बन जावो आम तो खास। हरेक बच्चा हुनरमंद है। हुनर कोई भी अजिहा गुण जो तुहानू आम तो खास बना दिंदा है। ए गाउणा, सुंदर लिखना, पेंटिंग, साहित्यकारी, डांस, भाषण कला, घरेलू काम, मकैनिकल काम जां कोई भी होर हो सकता है। बचपन विच साइकल सीखण वेले असी बहुत वारी डिगे, सट्टां खादियां, पर वार वार अभ्यास नाल असी साइकल चलाउण विच माहर हो गए। तुसी प्राइमरी स्कूल दी पहली जमात विच लिख जरूर लैंदे सी, पर तुहाडी लिखत बहुत सुंदर नहीं सी। पंजवीं जमात तक तुहाडी लिखाई बहुत सुंदर हो गई। ए तुहाडे वार वार किते अभ्यास दा ही सिटा सी। तुहाडे इस हुनर करके तुसी सुंदर लिखाई मुकाबलियां विच राज पद्धरी मुकाबलियां तक पहले दर्जे ते आए। क्रिया नंबर एक, आओ पछाण करिए। हुण आपां अपने अंदरले हुनर बारे अपनी वर्कशीट ते लिखांगे। नंबर एक, मैनू खेडना, लिखना जां गाउणा जां आ काम वधिया लगदा है। नंबर दो, मैनू इस डैश वाले हुनर नाल जुड़ के बहुत आनंद आउंदा है। नंबर तीन, मेरे इस हुनर डैश दी प्राप्ति जदों मैं अपने माता पिता जां साथियां नाल सांझा करां तां मैनू संतुष्टि प्राप्त हुंदी है। नंबर चार, अपनियां सोचां विच वी मैं डैश दे हुनर नाल जुड़िया रहिंदा हां। प्यारे विद्यार्थियो, तुसी अपनी रुचि अनुसार इन्हां खाली थावां नूं भरना है। अगले वीडियो लैसन राहीं आपां इन्हां खाली थावां नूं भरना भी सिखांगे। क्रिया नंबर दो, जो विद्यार्थी गाउणा पसंद करदे हन उन्हां तों आपां पंजाबी, हिंदी अते अंग्रेजी दी पाठ पुस्तक विच शामिल गीत, कविता आदि सुणांगे, जिस नूं ओह अपनी तर्ज बना के सुणाउणगे। लिखण दी रुचि वाले विद्यार्थी मेरा सुपना विषय उत्ते 10-17 लिखणगे। पेंटिंग जां भवन कला निर्माण वाले विद्यार्थी कापी उत्ते जिस तरह दी उसारी दा सुपना लैंदे हन उस बारे लिख सकदे हन जां आकृति बना सकदे हन। बाकी विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार अपने हुनर दा प्रदर्शन कर सकदे हन। विद्यार्थी वल्लों अपने खेतर बारे लिखण लई तां प्यारे विद्यार्थियो, इत्थे तुसीं जिहड़ी चीज़ नूं पसंद करदे हो, जिहड़े काम धंधे नूं पसंद करदे हो, जिहड़ी तुहाडी रुचि है, उस अनुसार कुछ सत्रां इत्थे लिखणियां हन। प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो लैसन राहीं उदाहरण स्वरूप इत्थे कुछ लाइनां लिखियां होईयां तुहानू मिल जाणगियां। क्रिया नंबर तीन, दसवीं जमात दी पंजाबी दी साहित्य माला पाठ पुस्तक विच शामिल शाह मुहम्मद दी रचना जंगनामा सिंघां ते फरंगियां नूं 5-5 विद्यार्थियों नूं ग्रुप विच बोलण लई कहा जाएगा। ग्रुप विच एक विद्यार्थी पहली सत्र बोलेगा, बाकी चार विद्यार्थी अगली सत्र बोलणगे।
ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੈਠ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਫਰੰਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਚਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰ 4, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ, ਹਿਸਾਬ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੁਣੋ। ਨੰਬਰ 1, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਿਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2, ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਲਾ ਨਿਖਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਹੁਨਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਿੱਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਾਂਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਨਰ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਯੋਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆੜਾ ਭਾਗ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੰਗ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰ 1, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
खुला सुभा तंग सुभा शख्सियत दे गुण औगण नंबर एक किसी की भी सलाह ना सुनना तो प्यारे विद्यार्थियो किसी की सलाह ना सुनना तंग सुभा है इस करके आप करांगे इस तरह का एक निशान तीर दा लगा देंगे जिहड़ा पहला वाक है यह तंग सुभा की निशानी है तो प्यारे विद्यार्थियो बाकी दे वाकां नूं तुसीं आप महसूस करना है कि वह खुले सुभा नाल संबंधित हैं कि तंग सुभा नाल संबंधित हैं। इस तो अगले वीडियो लैसन राही आपां इन्हां उपर सही निशान लगा चुके होवांगे। नंबर दो हमेशा नवां सीखण लई तैयार रहना। नंबर तीन जिम्मेवारी तो भजना। नंबर चार हर गल उत्ते नुक्ताचीनी करनी। नंबर पांच किसी उत्ते भी जल्दी गुस्से नाल भड़क पैना। नंबर छे मिलनसार होना। नंबर सत चुनौती स्वीकार करना। नंबर आठ हौसला हार जाना। प्यारे विद्यार्थियों तुसी देखा है कि एक खुले सुभा का व्यक्ति हर हालत विच अपने आप नूं ढालना जानता है। उदी सोच की उड़ान बहुत उची हुंदी है अते ओ तरक्की दियां बुलंदियां छूंदा है। तुसी जानदे ही हो के तकनीकी युग विच जिन्नी रफ्तार नाल तरक्की हो रही है उस विच अज दी नवीं पीढ़ी छेती अपने आप नूं ढाल लैंदी है जदों के पुरानी पीढ़ी अपने आप नूं उन्नी जल्दी नहीं ढाल पाउंदी। तुसी देखिया ही होवेगा कि मोबाइल कंप्यूटर अते होर इस तरह दियां चीज़ां तुसी सीख लेंदे हो जदों के तुहाडे दादा दादी जां नाना नानी उन्नी छेती नहीं सीख पाउंदे। तुसी घर जाके अपने आस पास विचों अजिहे व्यक्तियां दे नाम पता करने हन जो खुले सुभा दे मालक हन। अगले हफ्ते इस बारे जमात विच जानकारी सांझी करांगे। व्यक्ति दा नाम उन्हां दा होरां नाल विहार उन्हां दी शख्सियत दे गुण जो तुसी अपनाउणा चाहुंदे हो तो प्यारे विद्यार्थियो ये काम तुसी अपने आप करना है पर अगले वीडियो लैसन विच उदाहरण स्वरूप ये सारियां खाली थावां भर दित्तियां जाणगियां। प्यारे बच्चो व्यक्ति दा जिद्दी सुभा बहुत वारी उसदी अते उसदे परिवार की बेहतरी दे रस्ते विच रुकावट बन जाता है। जिवें इस तरह की सोच के कुड़ियां मुंडियां नूं बराबर पढ़न खेडां विच भाग लैण जां नौकरी करन आदि दे मौके नहीं देने चाहिए। अजिहे सुभा नूं बदलन विच ही सब दी भलाई है। दूजे पासे कई गल्लां ना बदलन विच ही सब दा फायदा है जिवें कि अपना काम इमानदारी नाल करन दी जिद रिश्वत ना लैण दा प्रण नकल ना करन दा प्रण आदि। की तुसी दस सकते हो कि अपने देश दे इतिहास विच किहड़े अजिहे महान व्यक्ति होए हन जिन्हां दे लचकीले सुभा कारण उन्होंने समाज विच पसरियां कुरीतियां दूर कीतियां अते जे वह इस तरह ना करदे तां मौजूदा हालात की होने सी। प्यारे विद्यार्थियों इत्थे तुसी अपने विचार लिखने हन। अगले वीडियो लैसन दे विच इत्थे तुहानू कुछ विचार लिखे हुए मिल जाणगे। प्यारे विद्यार्थियों तुसी समाज दे बहुत ही जिम्मेवार नागरिक बनना है। आउण वाले समय विच देश दी वागडोर तुहाडे हाथ विच होनी है। सो तुसी की समझदे हो कि अजकल समाज दे विच की अजिहा चल रहा है जिसनू तुसी बदलना चाहोगे। अपने आले दुआले विच झाती मार के सोचो अते विचार करो कि किहड़े किहड़े पहलू बदलन योग हन अते किवें। तुसी चार समूहां विच बैठ जाओ अपने समूह विच विचार वटांदरा करके नोट करो हुण जो विचार चारों समूहां विचों आए वो असी ब्लैकबोर्ड ते लिखांगे। प्यारे विद्यार्थियो समूह पहला ने अपने विचार लिखने हन समूह दूजा ने अपने विचार इसे तरह समूह तीजा ते समूह चौथा ने अपने विचार लिखने हन।
इन्हां विचारां नूं तुसीं अपनी कापी ते नोट करना है जां जिहड़ी आ थां दित्ती गई है इत्थे तुसीं इन्हां विचारां नूं लिख देना है। अगले वीडियो लैसन दे विच इह विचार तुहानूं लिखे हुए मिल जाणगे। तुसीं इह सारे अपनियां कापियां विच लिखो अते प्रण करो कि तुसीं इन्हां उत्ते अमल करोगे। भाग ईड़ी करियर प्रति चेतना। हाथ विच कुछ सफेद कागज अते एक पेन फड़ी ज्यों ही वरिंदर कुमार दसवीं दी जमात विच दाखल होया विद्यार्थी उत्सुकता नाल उस वल वेखण लगे। अध्यापक होण दे नाल नाल स्कूल विच करियर काउंसलर होण करके विद्यार्थी उस नाल बहुत खुल के अपने भाव सांझे कर लिया करदे सन। उसने विद्यार्थियों नूं कहा कि एक कागज उपर तुसी एक दो तीन करके अपनियां पहलियां पसंदां लिखो कि तुसी की करना अते की बनना चाहते हो। विद्यार्थियों ने अपने फार्म भर के उस कोल जमा करवाने शुरू कर दिते। सर तुसी तीन पसंदां क्यों मंगियां? एक लड़की मनीषा का सवाल सी। समय ते हालातों अनुसार जेकर पहली पसंद जां दूजी पसंद विच समस्या आ रही होवे तां असीं अपनी रुचि अते रुझान अनुसार तीजी पसंद ते काम कर सकते हाँ, वरिंदर कुमार जी का जवाब सी। काउंसलर ने क्लास नूं दस्या कि दसवीं जमात तों बाद जिंदगी विच कई मोड़ आउंदे हन। विद्यार्थियों ने अपने घर दे हालातों अते अपनिया रुचियां अनुसार जां नौकरी वाला राह देखना हुंदा है ते जां उच्च पढ़ाई दा। उसने दस्या कि जेकर छेती काम उत्ते आउण दी जरूरत होवे तां पढ़ाई नौकरी दे नाल नाल असी पत्र विहार राही जां प्राइवेट भी कर सकते हाँ। जदों उसने अपना लैक्चर मुकाया तां नवदीप ने उठ के सारी क्लास नूं दस्या। सर दे कहण दा मतलब तां इही लगदा है बई सब तो पहलां अपनी रुचि ते रुझान नूं देखो फिर अपने घर दे हालातां नूं देखो समें दीआं लोड़ां अनुसार काम नूं देखो अते फिर सिर सुट के लगातार मेहनत करदे जाओ। सानूं हुण समें दीआं लोड़ां अनुसार नवें करियर मौके भी देखणे पैणगे जिवें कि अपनी गड्डी अपना रुजगार यूट्यूबर वैब डिजाइनर कुत्तियां दा सिखलाई कर डॉग ट्रेनर बावरची कुक लैदर प्लास्टिक अते टैक्सटाइल इंजीनियरिंग ते सर्विसिज दा विशाल सैक्टर। नौकरियां मगर भजन नालों नौकरियां पैदा करन दी लोड़ है। हाँ सच, वरिंदर ने रुक के फिर क्लास वल देख के कहा। जो आपां गलबात कीती एक क्लास काउंसलिंग सी, जेकर तुसी मेरे कोले इकट्ठे होके आओगे गलबात करोगे तां ओ ग्रुप काउंसलिंग होवेगी अते जेकर तुसी निजी जां परसनल तौर ते मिलोगे तां ओ निजी जां परसनल काउंसलिंग होवेगी। स्कूलां विच हुण किन्ने वधिया काम होण लगे हन, इह सोचदा सोचदा नवदीप घर नूं जा रहा सी। उसने घर जाके एक नवी कापी करियर चेतना वास्ते लगा ली। जरा सोचो अते दसो, नंबर एक, चंगे करियर दी चोण किस चीज़ उत्ते निर्भर करती है? नंबर दो, करियर काउंसलर ने किन्नी तरह की काउंसलिंग बारे दस्या? नंबर तीन, नवदीप नूं किस चीज़ दी खुशी सी? नंबर चार, अजोके समय एक तो वधेरे करियर ऑप्शन लैके तुरना क्यों जरूरी है? नंबर पांच, तुसी अपने स्कूलों विच केड़ियां केड़ियां चंगियां गल्लां नोट कर रहे हो? नंबर छे, मनीषा च तुहानू केड़ा गुण नज़र आया? प्यारे विद्यार्थियों, तुसी इन्हां प्रश्नां दे उत्तर आप लिखने हन। अगले वीडियो लैसन दे विच इन्हां दे उत्तर लिखे हुए तुहानू मिल जाणगे। लड़ी नंबर मेरा सवाल प्राप्त जवाब जां हल। बच्चो, तुसी भी करियर संबंधी जां कोई निजी सवालां जां जवाबां वाली कापी लगा सकते हो। सिट्टा, लोड़ अनुसार अपने करियर बारे सोचना, सवाल करके जानकारी प्राप्त करना
अपनी योग्यता, शौक, रुझान अते हालात मुताबक किते दी चोन करनी चाहिदी है। हर विद्यार्थी अपने लिए ढुकवें तीन तीन करियर सोच लवे ते उस पासे कामयाब होने लई मेहनत करे। प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो लैसन दे विच तुहानू इत्थे जिहड़ियां खाली थावां ने इह भरियां होईयां मिल जाणगियां। अध्यापक वालों जिहड़ी टिप्पणी है जां मुलांकन है इत्थे भी कुछ ना कुछ लिखिया होया मिल जाएगा। तुसी इस वीडियो नू अंत तक देखिया है, तुहाडा वीडियो नू देखण ते अते दूजे विद्यार्थियों तक वीडियो नू पहुँचाउण ते बहुत बहुत धन्नवाद। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन तो इलावा तुसी इस चैनल ते इंग्लिश, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, समाज सेवा, कोरोना केयर आदि अनेक टॉपिक्स ते वीडियो वेख सकते हो। चैनल नू सबसक्राइब करन ते धन्नवाद। यूट्यूब दे सर्च बार दे विच आपां दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स लिखना है, साढ़े कोलों एक नवा पेज आ जाएगा। उन्दे उपरले पासे लिखा हुआ है दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ते हेठां ऑप्शन दिती है सबसक्राइब दी। तुसी डायरेक्ट इत्थों भी सबसक्राइब कर सकते हो। जेकर कोई वीडियो देख रहे हो, जिवें कि आपां चैनल खोल लिया ते आपां कोई वीडियो देख रहे हाँ, तो जदों वीडियो चलेगी साढ़े कोल कुछ ऑप्शनस आणगियां, तो साढ़े कोल ऑप्शनस आ गईयां इत्थे जिथे फोटो लगी है हेठा दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स लिखा होया है। इहदे नाल आ सबसक्राइब का बटन है, तुसी सबसक्राइब का बटन नप लेना इस नूं ते तुहाडे कोल तीन ऑप्शनस आणगियां। जदों इस नूं आपां नपांगे तो तीन ऑप्शनस आणगियां, उहदे उपर लिखा हुआ ऑल, तो ऑल दी ऑप्शन जिहड़ी है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।